मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा पांच के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 15 संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, संयुक्त मतलब कई देशों से जुड़े हुए, कई देशों को एक साथ जोड़कर सम्मिलित रूप, कई देशों को जोड़कर एक सम्मिलित रूप, कई संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव द्वारा मशीनों के युग में प्रवेश करने पर समूह उत्पादन आरंभ हो गया। बड़े बड़े कारखाने तथा मशीनें, बड़े बड़े कारखाने तथा मिले स्थापित किए गए जिनमें वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्माण होने लगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के युग का जन्म हुआ। आरंभ में केवल यूरोपीय देश ही बड़ा संख्या में वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे। ये देश पिछड़े देश से कच्चा माल बहुत कम मूल्य पर खरीदते तथा तैयार सामान पिछड़े देशों को बहुत ऊंचे मूल्य पर बेच देते थे। इस प्रकार इन देशों ने अधिक लाभ कमाया और कुछ ही समय में बहुत धनी हो गए। परिणाम स्वरूप उनके लाभ और सख्त दोनों ही बढ़ गए। इन देशों ने पिछड़े देशों का शोषण करने के लिए लोगों को दास बनाना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तथा नीदरलैंड, ऐसे ही कुछ यूरोपीय देश थे जिनकी बढ़ती हुई संपत्ति ने एक दूसरे को ईर्ष्यालु बना दिया। उन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ना आरंभ कर दिया। जब भी दो देशों के मध्य युद्ध होता, प्रत्येक लड़ने के लिए समर्थक देशों का एक गुट बना लेता था। इनका परिणाम अंत में विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। विश्व युद्ध के परिणाम, विश्व युद्ध जब हुआ उसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में जानेंगे। युद्ध यूरोप से आरंभ होकर विश्व के अन्य भागों में फैल गया। ये विश्व युद्ध के अधिकतर भागों में अनेक देशों के बीच लड़े गए। जो युद्ध विश्व के अनेक देशों के बीच आपस में लड़े जाते हैं विश्व युद्ध कहलाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1936 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के अधिक विनाशकारी था। इस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा घायल हुए। अनेक बड़े नगर तथा कस्बे नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख नगरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे ये नगर कुछ ही मिनटों में पूरी नष्ट हो गए। जीवित प्राणी तथा निर्जीव वस्तुएं सभी राख में बदल गए। जल करके विस्फोट के विकिरण दूर दूर तक फैल गए, जिसके कारण कई भयानक रोग फैल गए। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए संपत्ति के विनाश के लिए लड़ने वाले राष्ट्रों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ने अनुभव किया कि परमाणु बमों के प्रयोग तथा खर्च किया गया धन व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना था, किंतु इस दिशा में यह असफल प्रयास था। लीग ऑफ नेशन की असफलता पर 26 जून 1945 को 51 मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस नगर में हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की और उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संघ का जन्म हुआ। यह दिन समस्त विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र 51 सदस्य थे। भारत भी उनसे एक था। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना ध्वज है। इससे हल्के नीले रंग का संयुक्त राष्ट्र का
सभी शांति प्रिय देशों के लिए खुली है जो इसके उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है संसार के राष्ट्र को मित्रतापूर्वक संबंध और सहयोग विकसित करना। दूसरा है समस्त विश्व में मानव अधिकारों और मानव स्वतंत्रता के प्राप्ति आदर बढ़ाना और उनकी रक्षा करना। तीसरा है छोटे या बड़े विश्व युद्ध को रोकना जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। चौथा है विश्व के सभी लोगों में जाति धर्म तथा लिंग के आधार पर हुए भेदभाव को समाप्त करना। पांचवा है प्रत्येक राष्ट्र के सहयोग से आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याएं शांतिपूर्वक हल करना। छठा है इन सभी कार्यों में राष्ट्रों की सहायता करना तथा उनके प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सिद्धांत है। पहला है सभी सदस्य राष्ट्र राष्ट्र स्वतंत्र और समान रहेंगे तथा दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों का सम्मान करेंगे। दूसरा है सभी सदस्य अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाएंगे। तीसरा है सभी सदस्य संघ के प्रत्येक कार्य में सहयोग देंगे। मानव अधिकारों की घोषणा, अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की घोषणा की। घोषणा पत्र में दिए हुए प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। सभी लोगों को स्वतंत्र नागरिक में जीने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को बोलने तथा लिखने का अधिकार होना चाहिए। चौथा है कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। पांचवा है सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी लोगों को काम के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी स्थान की यात्रा प्रार्थना अथवा पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। अपने समस्त प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र विश्व की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय और सुरक्षा की मूल समस्याएं सभी ज्यों की त्यों हैं। जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, अशिक्षण, स्वास्थ्य आदि समस्याएं हैं। समस्याओं को हल करने के लिए सदस्य राष्ट्र से पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। आप लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे,